हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह तवर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल तवर सिंह। इसमें आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम आज हम जो वैकेंसी बताने जा रहे हैं वो हमारे भिवानी में ही सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल जो कि एजुकेशन बोर्ड के अंदर है उसमें टीचर की वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। इसमें आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बहुत काम की चीज है। और दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण लैब स्कूल है जो कि हरियाणा भिवानी में है और ये एजुकेशन बोर्ड के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। और बताते हैं इसकी जो आखिरी डेट है वो 26/3/2019 है। और इसमें जो फीस है वो जो जनरल कैटेगरी है उसमें 500 रुपये फीस है और अदर कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनकी 125 रुपये फीस है। तो फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है ये ऑफलाइन वैकेंसी है। तो इसमें अब हम बताते हैं जो पोस्ट निकली हैं वो क्या क्या हैं। इसमें जो पहली पोस्ट है वो पीजीटी फिजिक्स की है एक पोस्ट है, और केमिस्ट्री की एक पोस्ट है, और मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है। तीन पोस्ट पीजीटी की निकली हुई है और ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। सैलरी इसमें 44,000 पर मंथ इसकी सैलरी लगाई गई है। और जो दूसरी पोस्ट है वो टीजीटी की तीन पोस्ट मांगी गई है, उनमें हिंदी की एक पोस्ट है, संस्कृत की एक पोस्ट है और मैथमेटिक्स की एक पोस्ट है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसकी सैलरी 38,700 रुपये पर मंथ लगाई गई है। जो थर्ड पोस्ट है वो प्राइमरी टीचर की है, वो एक पोस्ट मांगी गई है, वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। इसकी सैलरी 35,300 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी लगाई गई है। और इसकी जो चौथी पोस्ट है, फोर्थ पोस्ट, ये कलर्क की पोस्ट है, इसमें दो पोस्ट मांगी गई हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। इसकी जो सैलरी लगाई गई है वो 20,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी लगाई गई है। प्राइमरी टीचर है, इसमें वैसे तो सभी पोस्टों में जो एज है वो 21 साल से 42 साल इसमें मांगी गई है। और जो प्राइमरी टीचर है उसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और इसमें 2 साल का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, या इसके अलावा आपकी सीनियर सेकेंडरी प्लस टू होनी चाहिए विद 45% मार्क के साथ। इसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है वो एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डिंग विद द NCTE यानी रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी रिक्वायरमेंट विद 50% मार्क के साथ इसमें मांगी गई। इसमें 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का आपका डिप्लोमा मांगा गया है, वो BEIED ये मांगा गया है, या इसके अलावा आपका सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, इसमें आपके 50% मार्क के साथ मांगा गया है, और इसके साथ आपको 2 साल का डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन का है। इसके अलावा एक और है, इसमें आपकी BA, BSc, BCom, इसके अलावा और आपका 2 साल का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री इन एजुकेशन बाई वेदर नेम्स 9 का आपका पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें जो शर्तें हैं वो आपकी मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत हो, या इसके अलावा प्लस टू BA/MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें आपका हिंदी का सब्जेक्ट कंपलसरी है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी HTET, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET, ये आपका होना चाहिए। और इसके बाद है प्रोफेंसिस इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, और नेक्स्ट है इसमें कन्वर्सेंट इन द IT स्किल एंड इफेक्टिव यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एज टूल्स ऑफ लर्निंग, ये आपके होने चाहिए। इसमें जो उम्र है वो 21 साल इसमें बताई गई है। अब इसके बाद जो कलर्क की पोस्ट इसमें आपको हमने बताई है उसमें क्या मांगा गया है। कलर्क की दोस्तों इसमें दो पोस्ट मांगी गई हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी 50% मार्क के साथ किसी भी, इसमें आपको मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक में आपको प्लस टू में BA/MA विद एंड हिंदी, और इसमें आपको टाइपिंग भी मांगी गई है दोस्तों इसके अंदर, वो आप इसमें देख लीजिएगा। ये डिमांड ड्राफ्ट है वो फेवर ऑफ प्रिंसिपल सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल भिवानी हरियाणा, इसके नाम पे आपको ये कटवाना है। इसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपका जो फॉर्म है, ये आपको जो अप्लाई करना है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये आपको नीचे PDF में दे दिया जाएगा, इसे आप भर के इसे आप जमा करवा सकते हैं और इस वैकेंसी का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की वैकेंसी आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहे हमारे YouTube चैनल टेक्निकल तवर सिंह के साथ। थैंक यू दोस्तों।